जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणुरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगद्गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। जय हिंद स्टूडेंट। हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, चैप्टर नंबर 8 रीडिंग किया था। आज हम चैप्टर नंबर 8 कौन सा है, ए की मात्रा, वो पूरा आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, परिवेश की बुक में पेज नंबर 46 ओपन करना है। ओके तो मेरा तो पेज नंबर 46 ओपन हो गया है। आई होप कि आप सब का भी पेज नंबर 46 ओपन हो गया होगा। तो इसमें क्या है, चैप्टर नंबर 8 ए की मात्रा, इसकी निशानी कैसी होती है, एक स्लांटिंग लाइन। यहाँ सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, पिक्चर्स, बट इसमें कुछ रेड कलर का मार्क है, वो क्या है, मात्रा, ए की मात्रा की निशानी। ए की मात्रा की निशानी मतलब वन स्टैंडिंग लाइन। तो सबसे पहले ये पिक्चर कौन सा है, एप्पल। एप्पल को हिंदी में हम क्या कहेंगे, सेब। तो किस तरह से हम बोलेंगे, स को लगी ए की मात्रा से ब। नेक्स्ट ये पिक्चर किसका है, ट्री। ट्री को हमने आगे 7 चैप्टर में री की मात्रा में क्या सीखा था, वृक्ष, और यहाँ हम पेड़ ये सीखेंगे। तो प को लगी ए की मात्रा पे ड पेड़। नेक्स्ट है लायन। लायन को हिंदी में हम क्या कहेंगे, शेर। श को लगी ए की मात्रा शेर। नेक्स्ट ये पिक्चर किसकी है, बनाना। बनाना को हिंदी में हम क्या कहेंगे, केले। तो क को लगी ए की मात्रा के, ल को लगी ए की मात्रा ले, केले। अब ये नीचे वाले शब्द देखते हैं। सबसे पहले ये क्या है, शेर मतलब लायन। उसके बाद ये क्या है, बेर। ब को लगी ए की मात्रा बे र, एक बेरी है, एक रसीला फल। नेक्स्ट र को लगी ए की मात्रा रेल मतलब रेलवे लाइन, रेल की पटरिया, रेल मार्ग। नेक्स्ट त को लगी ए की मात्रा तेल, तेल मतलब ऑयल। उसके बाद ये क्या है, क को लगी ए की मात्रा के ला मतलब बनाना। नेक्स्ट क्या है, म को लगी ए की मात्रा मे, ल को लगी आ की मात्रा ला, मेला। मेला मतलब प्रदर्शनी, फन फेयर। नेक्स्ट ठ को लगी ए की मात्रा ठेला, ठेला मतलब ट्रॉली, धक्का गाड़ी, जिसमें हम सामान लेकर जाते हैं उसे हम ठेला कहते हैं। नेक्स्ट है ब को लगी ए की मात्रा बेला, बेला मतलब समय, मेरठ, सिटी का नाम है। म को लगी ए की मात्रा मेरठ, र को लगी ए की मात्रा रेशम, रेशम मतलब सिल्क। हम साड़ी को बोलते हैं रेशम की साड़ी, सिल्क की साड़ी, राइट, एक तंतु है। केसर मतलब सेफ्रोन, जो दूध में हम डालते ऑरेंज कलर का पतली पतली उसकी तंतु होती है, केसर। क को लगी ए की मात्रा के स र, जेवर मतलब ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट ये बिना मात्रा वाला शब्द है, अगर इसमें हम ए की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण चेंज हो जाता है और मीनिंग भी चेंज हो जाता है, तो वो हम देखते हैं। जल मतलब पानी। अब ज के ऊपर हम ए की मात्रा लगाते हैं तो क्या होगा, जेल मतलब प्रिजन, कैद खाना, कैदियों को जहाँ रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जेल। उसी तरह ये तल, तल मतलब निचला भाग, धरातल।
सीमा। अब उसमें त के ऊपर एक ही मात्रा लगाते हैं तो क्या होगा, तेल मतलब ऑयल। नेक्स्ट है सब मतलब पूरा संपूर्ण तमाम। उसी तरह स के ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, सेब मतलब एप्पल। नेक्स्ट खल, खल मतलब दुष्ट निकम्मा बदमाश। अब उसी ख के ऊपर हम एक ही मात्रा लगाते हैं तो क्या होगा, खेल मतलब खेलकूद प्रतियोगिता प्ले। नेक्स्ट बल, बल मतलब शक्ति ताकत प्रभाव, इंग्लिश में कहेंगे तो फोर्स। अब ब के ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, बेल। नेक्स्ट है जब, जब मतलब जैसे कि जितना, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, व्हेन। नेक्स्ट जेब मतलब खिस्सा पॉकेट, जिसमें हम पैसे वगैरह चीज़ें रखते हैं पॉकेट, उसे हम क्या कहेंगे, जेब। अब पेज टर्न करते हैं पेज नंबर 47। इसमें आपको छोटा सा गद्यांश दिया है, गद्यांश का नाम क्या है, मीठे जामुन मतलब जामुन एक फल है। सवेरा हुआ, सवेरा, स व को लगी एक ही मात्रा, वे र को लगी आ की मात्रा रा, सवेरा हुआ मतलब सुबह हुई। रेशमा केशव मिले, यहाँ आपको इस पिक्चर में दिख रहा है इस लड़की का नाम क्या है, रेशमा और केशव, राइट। तो रेशमा और केशव मिले सुबह के समय में। रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा, रमेश था वो जामुन के पेड़ पर चढ़ा। जामुन कौन से कलर के होते हैं, पर्पल, जो बारिश के सीजन में होता है ये फ्रूट। तो रमेश जामुन के पेड़ पर चढ़ा, सबने मीठे जामुन मजे से खाए। जो रमेश था वो जामुन के पेड़ पर चढ़ा और उसने बहुत सारे जामुन नीचे लाए और वो सब लोग अच्छे से मीठे मीठे जामुन फल अच्छे से खाए और मजे लिए। रेशमा पक्के केले लाई, ये लड़की है इसका नाम क्या है, रेशमा, वो क्या लाई, पक्के केले। सभी ने केले खाए, ये तीनों ने पक्के केले खाए। केशव ने छिलके सड़क पर गिराए, ये जो केशव आपको दिख रहा है, यस, उसने छिलके कहाँ पर गिराए, सड़क पर। रमेश ने समझाया छिलके कूड़ेदान के भीतर ही डालने चाहिए, ये जो रमेश था वो अच्छा बच्चा था, गुड बॉय था, तो उसने इस केशव को समझाया कि हमें जो छिलके है कचरा है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, तभी तुम सब समझदार कहलाओगे, मतलब तभी तुम लोग अच्छे कहलाओगे, समझदार कहलाओगे। तो इस गद्यांश का नाम क्या था, मीठे जामुन। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू।